पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस पावरफुल मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको चाणक्य की नीति और वास्तु शास्त्र के अनुसार बताएंगे कि जो पुरुष स्त्री को यह काम करते हुए देख लेता है तो उसका पूरा घर तहस नहस हो जाता है और वो व्यक्ति जीवन में कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, कौन सा है वो काम, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों में बहुत सी बातों के बारे में बताया गया है जिसे करने से व्यक्ति पाप का भागी होता है और बहुत से काम ऐसे हैं जिन्हें करना अशुभ माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति इन कामों को करता है तो उसको बहुत बड़ा पाप लगता है और वह पाप उसके मरने के पश्चात भी उसका पीछा नहीं छोड़ता है। ऐसे लोगों का समाज में भी मान सम्मान नहीं होता है, ऐसे व्यक्तियों को समाज अच्छी नजरों से नहीं देखता है। शास्त्रों के अनुसार किसी भी महिला को एक खास काम करते हुए देखना सबसे बड़ा पाप होता है। हिंदू धर्म में महिलाओं को बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया है। हिंदू धर्म में महिलाएं हमेशा पूजनीय मानी गई हैं। ऐसे कई देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, जैसे माता दुर्गा, माता पार्वती, माता लक्ष्मी इत्यादि, जो कि सभी महिलाएं हैं जिनकी हिंदू धर्म में पूजा की जाती है। किसी भी महिला का अपमान हिंदू धर्म के अनुसार एक अपराध माना जाता है, जो कि एक पाप की श्रेणी में आता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दुनिया में हर किसी व्यक्ति से कुछ ना कुछ गलतियां होती रहती हैं, परंतु जो गलतियां अनजाने में हो जाती हैं उनको भुलाया जा सकता है, परंतु जो गलतियां जानबूझकर की जाती हैं वह क्षमा योग्य नहीं होती हैं, उन गलतियों की सजा अवश्य मिलती है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे पाप के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जो अक्सर लोग कर बैठते हैं, और यह पाप इतना बड़ा होता है कि मरने के पश्चात भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ता है। हम बात कर रहे हैं नहाती हुई स्त्री के संबंध में। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग नहाती हुई स्त्री को निहारने लगती हैं, जो एक व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं वह चरित्रहीन होते हैं। शास्त्रों में किसी भी स्त्री को नहाते हुए देखना बहुत ही अशुभ माना गया है। ऐसा करने वाला व्यक्ति महापाप का भागीदार होता है। स्त्री को स्नान करते हुए देखने वाला व्यक्ति पाप करता है, क्योंकि शास्त्रों में भी बताया गया है कि ऐसा करने वाले व्यक्ति को कठोर से कठोर सजा मिलती है। यदि यह गलती आपसे जाने अनजाने में हो गई है तो कोई बात नहीं, भगवान इसको माफ कर सकते हैं, परंतु यदि यह गलती आपने जानबूझकर की है तो आप माफी के हकदार नहीं हैं। इन्हीं सब कारणों से आपको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे भगवान भी आपको माफ ना करें। अगर आपसे भूल कर भी ऐसा हो गया है तो वह अलग बात है, परंतु आप कभी भी ऐसा काम जानबूझकर मत कीजिए, क्योंकि यह सबसे बड़ा पाप माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार इसके लिए कोई क्षमा नहीं होती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक था। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे किसी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।